पुलिस के संरक्षण में फलता फूलता जिला बदर अपराधी। जनपद सिद्धार्थ नगर के थाना उसका बाजार अंतर्गत से खुरिया निवासी अभिषेक कुमार त्रिपाठी को बीते 11 जनवरी को जिला बदर अपराधी ओमकार नाथ पांडे ने दिन दहाड़े बुरी तरह मारा पीटा गया, जिसको लेकर पुलिस थाना अध्यक्ष के पास गया तो अपराधी के साथ प्रभारी उसका चुटकी लेते पाया गया और अभिषेक को जबरन 3 घंटे के लिए हवालात में बंद कर दिया गया। अभिषेक त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले? सखुई के कृष्णानगर। क्या आपके साथ क्या घटना हुई है? हम अपने एक विद्यालय बनवा रहे हैं नगर पंचायत में और अपने विद्यालय के काम से जिला मुख्यालय आ रहे थे। चूँकि ढाला वहाँ पूर्वी रेलवे स्टेशन पूर्वी ढाला चूँकि बंद था, मेरी गाड़ी रुकी वहाँ पे। ओमकार पांडे और गुंजन पांडे, टिंकू पांडे, घनश्याम पांडे तमाम लोग आए और हमको गाली गुप्ता देने लगे, गाड़ी से खींचने लगे। तो गाड़ी चूँकि लाख खुला हुआ था, गाड़ी से हमको पूरा खींच लिया, लात घूसों से लगे मारने। हमारा चैन ऊँची सा लेके बीच बचाव में बद्री यादव, राकेश यादव, फिर तमाम लोग किसी तरह हम अपना जान बचा के वहाँ से भागे। हम उसके बाद मैं थाने पे गया तो थाना प्रभारी से हमसे पहले ऑलरेडी आप वो जो हमको मारा ओमकार पांडे वो ऑलरेडी वहाँ जाके चैम्बर में यशो साहब के बैठा हुआ था। कहीं जुगिया प्रधान तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ओमकार पांडे उसका जो है हिस्ट्री सीटर है वो जो है ऑलरेडी हमसे पहुँच के वहाँ यशो साहब के कमरे में बैठा हुआ था। उसके बाद क्या कहा वहाँ थाना अध्यक्ष महोदय? थाना अध्यक्ष महोदय ने जो हमारे जो भी शुभ चिंतक से आया उनके पे लाठी चार्ज करवाया, हमको हवालात में तुरंत डलवा दिया। कहा कि ऐसा है तिवारी, या तो मैनेज कर लो यहाँ, नहीं तो जब भी यहाँ से तुम जाओगे बिना मुकदमा फिर किए दोनों पक्ष का हम यहाँ से छोड़ेंगे नहीं तुमको। हमने कहा साहब गलती वो किया है, गुंडा वो है हमारा हमको है। उन्होंने कहा नहीं गुंडा तुमको हम बनाएंगे। हमने कहा साहब बताइए 7 साल के कम सजा में कहाँ लिखा है कि हमको आप कटघरे में डाल रहे हैं? तो उसने स्पष्ट कहा अब तुमको मैं गुंडा बनाऊंगा। हमने कहा साहब हमारा आप रिकॉर्ड देख लिया, कभी आपके यहाँ बाउंड्री के अंदर मैं नहीं आया हूँ, कोई हमारा अपराधी रिकॉर्ड नहीं है और आप हमको जबरदस्ती हवालात में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो तुमको अब मैं गुंडा बना दूंगा, देखना किस तरह गुंडा बनाया जाता है। लाठी चार्ज पूरा करवाया, जो भी हमारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए उन पर लाठी चार्ज करवाया गया। जब अपर पुलिस अधीक्षक से बात पत्रकार द्वारा पूछी गई तो उन्होंने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और कैमरे में आने से इनकार कर दिया। थानेदार का जो है निरंतर सहयोग उसको दिया जा रहा है अपराध करने के लिए। वहाँ के थानेदार उससे संलिप्त है, उसको बगल में बैठा के चाय पिला रहे थे, उसको अपने कुर्सी के बगल में बैठा के चाय पिला रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोगों को उठा के बंद कर देंगे और उसको साह दे रहे आए दिन अपराध कर रहा है। कल इनको जो है अभिषेक त्रिपाठी को मार दिया और बुरी तरह से घायल हो गए। ये लोग गए तहरीर लेके, इनके साथ सैकड़ों गांव के लोग गए, प्रधान जी गए, पुलिस ने मेडिकल नहीं कराया है। नहीं, रात में जबरदस्ती उन्होंने कहा कि सुलह करो। रात में हालात में मुझे ही डाल दिया गया, रात में बैठा के थाने में कहे कि सुलह कर लो नहीं तो तुमको हम जेल भेज देंगे और जबरदस्ती सुलहनामे पर दस्तखत कराया। इन्हीं के भाई छोटे भाई से 1 लाख रुपया का मांग रहे हैं और 1 लाख रुपया 3 दिन पहले टेलीफोन करके वो रंगदारी मांग रहा था। रंगदारी नहीं देने के रंगदारी हमने उस बात को दबाया, रंगदारी नहीं दोगे तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और उसका अंजाम कल उसने दे दिया। 5,000 रुपया और सोने की चैन छीन लिया, 4-5 लोग उसके साथ थे। किसी तरह से जान बचाकर थाने पे गए तो थानेदार के पास वो पहले से आके बैठा था और कहा कि हम सबको बंद कर देंगे।